हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स के इस सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ये इस लेक्चर में जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो बेसिकली एक जनरल फिजिक्स है। ये कॉमन स्टोरी है साउंड वेव की और वेव ऑप्टिक्स की। तो चलिए समझते हैं। और उससे पहले वेव ऑप्टिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ ही बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस होता क्या है उसको एकदम आराम से समझेंगे, क्योंकि ये एक जनरल स्टोरी है, पूरे फिजिक्स में काम देगा आपको, अलग अलग जगह पर अल्टरनेटिंग करेंट में भी इसका यूज़ है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो वेव है, बेसिकली यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक वेव है, एक सोर्स है, सोर्स है S1, और इस सोर्स से एक वेव और उस वेव का इक्वेशन A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये एक सोर्स है। इस सोर्स से डिस्टरबेंस यहां पर मान लीजिए कि यहां से x दूरी पर x1 डिस्टेंस पर, ये यहां से यहां x1 डिस्टेंस। तो वेव बेसिकली करता क्या है, इसको थोड़ा फील कीजिए, एज्यूम कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आप, जैसे मान लीजिए कि ये पानी है, चारों तरफ पानी है और ये एक पार्टिकल रखा हुआ है, और आप किसी एक जगह पर पत्थर को फेंकिए पानी में। तो आपने मान लीजिए कि मैंने यहां पर पत्थर को फेंका, पूरा पानी ऐसे है, ठीक है, पत्थर को ऐसे फेंका, छपाक पत्थर गया, तो उससे आप देखेंगे कि पूरा पानी में एक वेव क्रिएट होने लगता है। ऐसा बहुत बहुत दफा आपने किया होगा, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं और पानी में बॉल चला गया तो उसको निकालने के लिए ये सब काम आप कर चुके होंगे। तो आपने पानी ऐसे फेंका छपाक, और ये फिर ऐसे वेव ऐसे ट्रेवल करके इस पार्टिकल को क्या करता है, हिला देता है। तो ये पार्टिकल जो कि पहले स्टेशनरी था, जैसे ही आपने यहां पर एक सोर्स मतलब एक पत्थर फेंककर, पत्थर क्या है, सोर्स है, उसने पानी में एक वेव क्रिएट किया, एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वो डिस्टरबेंस वो एनर्जी ट्रेवल करते 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 यहां तक पहुंची। जब यहां पहुंची तो ये अभी यहीं पर था, ये क्या करता है, वर्टिकली ऊपर नीचे और ऐसे करता रहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रेट पाथ पर अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल मोशन को परफॉर्म करता है तो हम कहते हैं वो SHM। तो ये भी क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। बात समझ में आ रही? सिमिलरली वही चीज साउंड में, जैसे मान लीजिए कहीं पर स्पीकर रखा हुआ है और वो स्पीकर से आवाज निकल कर आ रही है, तो आवाज बेसिकली क्या है, वेव एनर्जी है। वो एनर्जी ऐसे आई और आपके ईयर ड्रम पर पड़ रही है, और ईयर ड्रम को वो क्या करती है, ऑसिलेट कराती है। तो आप उसको, आपका माइंड डिटेक्ट करता है कि वो ये आवाज़ है, ये गाना चल रहा है। सिमिलरली वही चीज़ लाइट के साथ है, लाइट भी क्या है, वेव है। वो वेव की एनर्जी ऐसे आ रही है और आपके रेटिना पर पड़ती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है, आपको समझ में आ जाता है कि ये कौन सा कलर है और किस चीज़ की तस्वीर है। वही चीज यहां पर है, वही चीज हम यहां समझ रहे हैं कि एक सोर्स है जिसका वेव इक्वेशन ऑफ वेव ये A1 साइन ओमेगा टी प्लस kx, इसने डिस्टरबेंस पैदा किया कहां, x1, वही x1 पर। तो जब हमने क्या किया, x को फिक्स्ड कर दिया, x1 क्या है, फिक्स्ड हो गया। तो ये अभी क्या है, इक्वेशन ऑफ वेव है, इक्वेशन ऑफ वेव। अभी जो भी हम लोग समझ रहे हैं वो जनरल फिजिक्स, हर जगह काम देने वाली चीज है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आ जाएगा तो इंटरफेरेंस हम लोग समझ लेंगे। S1 सोर्स, दूरी क्या, X1। यहां जब पहुंचा तो इस पार्टिकल को क्या मिला, SHM। इस पार्टिकल को क्या मिला, ये पार्टिकल P है, इसको क्या मिला, SHM। P को मिला क्या चीज, SHM। तो जो SHM मिला P को किसके वजह से, SHM, S1 की वजह से, ठीक है, S1 की वजह से उसे SHM मिला। तो SHM की इक्वेशन क्या होगी, तो मान लेते हैं X1 है, तो Y1
ये जो वेव ट्रेवल हुआ है ये मान लेते हैं y1, तो y1 हो गया a1 sin omega t plus kx1। ये इक्वेशन ऑफ SHM, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ SHM। तो वेव और SHM के इक्वेशन में फर्क क्या है, यहां x1 नहीं था, यहां x1 कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने किसको फिक्स्ड कर दिया, x को। अगर हम इसको फिक्स्ड कर दें तो ये इक्वेशन हो जाता है किसका, SHM का। पहले सोर्स की वजह से डिस्टर्बेंस आ गया, मान लीजिए कोई दूसरी सोर्स है, कोई दूसरा सोर्स है S2, और इसका इक्वेशन ऑफ वेव है A2 sin omega t plus kx, और इससे डिस्टर्बेंस यहां पहुंचता है, पहुंचती है कितने, ये कितनी दूरी पर, x2, x2 से जो SHM यहां प्रोवाइड हुआ, जो मिला उसको क्या लिखेंगे, y1 यहां वाला हो जाएगा y2, क्या लिखेंगे इसको, A2 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, के एक्स टू। कहानी समझ में आ रही, दो सोर्स एक पॉइंट, इसकी वजह से वेव, इसकी वजह से वेव, हमने एक्स को फिक्स्ड किया, तो इस सोर्स की वजह से यहां जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई और जो ट्रेवल कर पहुंची, उसने इस पार्टिकल को क्या दिया, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसने भी वही काम किया, इस वेव ने भी डिस्टर्बेंस यहां तक कैरी कर पहुंचाया, और इसको क्या दिया, SHM। तो बेसिकली होता क्या, इसका एकदम सिंपल फिगर अगर हम बनाकर दिखाए आपको तो क्या हो सकता है, देखिए एकदम सिंपल फिगर। ये मान लेते हैं कि S1 की वजह से, ये सोर्स S1 की वजह से ये पार्टिकल, ये पॉइंट P है, सोर्स यहां है S1, एकदम सिंपल फिगर है और क्लियर हो जाएगा इससे पूरा। ये पार्टिकल P, ठीक है, यहां पर। अब यहां से जो वेव ऐसे आई, ये वेव ऐसे आ रही है, ठीक है, इस वेव ने इस पार्टिकल को किधर ढकेला, ऊपर की तरफ, ठीक है, इस वेव ने इस पार्टिकल को किधर ढकेला, ऊपर की तरफ, ठीक है। जब ऊपर की तरफ ढकेला तो ये पार्टिकल P को अगर मैं आगे देखाऊं तो ये कुछ ऐसा ऊपर नीचे यू 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 ऐसा मूव करेगा, SHM। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन E1 E2, ये ऑसिलेट करने लगा, इसी को हम लोग SHM बोलते हैं। तो मान लीजिए ये वेव ने इसको ऊपर पहुंचा दिया, ठीक, ऊपर पहुंचाया। दूसरे वेव ने भी मान लीजिए कुछ ऐसा चला और इसने भी मान लेते हैं ऊपर पहुंचा है, तो यहां पर ये पार्टिकल ये फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से ये भी SHM करेगा। तो होगा क्या कि दोनों ही वेव मिलकर उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, दोनों ही वेव मिलकर क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड 2 है और इसका एम्पलीट्यूड 3 है, तो ये जो फाइनली इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे पार्टिकल P कुछ ऐसा होगा, मतलब कि दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, और ये कितना हो गया, 5, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रो के ऊपर ट्रो, तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट चढ़ा तो 3-2 दोनों जुड़ गया, 5 हो गया, 5 हो गया। तो वो और जो कि 2 मीटर ऊपर उठता वो अब कितने मीटर ऊपर उठ रहा है दोनों की वजह से, 5 मीटर, दोनों की वजह से कितना मीटर, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर उठ रहा है। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या, हुआ ये कि दोनों वेव आपस में मिले, दोनों वेव मिले और एक रिजल्टेंट तैयार हुआ, दोनों वेव मिला और एक ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट तैयार हुआ, रिजल्टेंट तैयार हुआ। ये जो रिजल्टेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस,
इंटरफेरेंस और किसका, कौन मिल रहा है, इंटरफेरेंस, इंटरफेयर, इंटरफेयर क्या होता है, आपने कॉमन सुना होगा ऐसे कोई दो आदमी बात कर रहे हैं, कोई तीसरा उसमें इंटर कर जाता है और उसकी बात को काटता है या उसकी बात में हाँ मिलाता है, तो कोई आदमी इरिटेट होकर क्या कहता है कि तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, इंटरफेयर करने का मतलब कि उसके साथ मिलना, तो ये वही चीज़ है इंटरफेरेंस, हो क्या रहा है एक वेव दूसरे वेव के साथ मिल जा रहा है, तो मिलेगा तो बहुत सारी केसेस बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एकदम सिंपल केस लिया कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है, दोनों मिल रहा, हो सकता है क्रेस्ट के ऊपर ट्रो आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सिंपलेस्ट पिक्चर है वो यही है कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट चढ़ा, आपको समझाने के लिए कि दो वेव मिले तो दोनों वेव की वजह से उस पार्टिकल को क्या मिला, SHM, और उस SHM को हमने एक्चुअली क्या किया, कंबाइंड किया, मतलब दोनों वेव से जो SHM मिला उस दोनों SHM को हमने क्या किया, कंबाइंड किया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, और ये वही है कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, और दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ SHM से दोनों वेव एक दूसरे के साथ जो मिलते हैं उस मिलने को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटरफेरेंस, और जो फाइनली मिला वो क्या है, रिजल्टेंट। तो बेसिकली ये एक सिंपल पिक्चर है किसका, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव में हम देख रहे हैं मेन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। तो ये जनरल स्टोरी है पूरे फिजिक्स की। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ SHM समझते हैं ताकि आगे की चीजें समझ में आए, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, वो सब चीज, उसमें फेज डिफरेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, वो सब चीज समझना जरूरी है। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि इरेज हो जाएगा ये पूरा। अब बात करेंगे, चूंकि इंटरफेरेंस ऑफ वेव है तो ये हम लोग समझते हैं किससे, प्रिंसिपल ऑफ, या इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझते हैं। ये सब चीज 11th में मिला होगा आपको, लेट कि एक वेव है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और दूसरी वेव है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। पहला वेव y1 बराबर इतना, दूसरा ये y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट है y नेट, और y नेट होता है y1 प्लस y2, और भी होगा तो सबको जोड़ देंगे, तो y नेट बराबर क्या मिलेगा हमें, y1 क्या है a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 क्या है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो y नेट बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, और अगर ध्यान से देखें तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, तो इसको तोड़ देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, A1 साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस A2 से मल्टीप्लाई, तो A2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी
कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ कॉमन होता हुआ नजर आएगा, इसमें भी साइन ओमेगा टी है और इसमें भी, दोनों में से कॉमन कर लीजिए। दोनों में से जब आप कॉमन कर लेंगे तो ए वन, दोनों में से हमने क्या कॉमन कर लिया, साइन ओमेगा टी, तो बचेगा ए वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी, ठीक है, सॉरी कॉस फाई, इसमें का ए वन उसमें का कॉस फाई और बाहर निकला साइन ओमेगा टी, प्लस प्लस ये क्या रह गया ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाई, कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब ध्यान से देखें, अब क्या करना है, तो इस इक्वेशन को शॉर्ट करना, ये कुछ ज्यादा लंबा हो गया, तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए मान लेते हैं लेट लेट ए साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वन, ठीक है, ए वन प्लस ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लेते हैं किसको, ए साइन थीटा नहीं ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, ये हो गया इक्वेशन वन। और दूसरा जो हम कंसीडर करेंगे वो क्या है कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू, ए साइन थीटा किसको मान लेंगे, तो ए साइन थीटा मान लेंगे ए साइन थीटा मान लेंगे हम किसको, ए टू, ए टू साइन फाई, ठीक है, ए टू साइन फाई को क्या मान लिया हमने, ए टू साइन फाई को मान लिया हमने ए साइन, ए टू साइन फाई को मान लिया ए साइन थीटा, और ए वन प्लस ए टू कॉस फाई को क्या मान लिया हमने, ए कॉस थीटा। देखें अगर ध्यान से तो ये दो वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किया ए और थीटा, इसको पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पुट करेंगे तो वाई बराबर वाई नेट बराबर आएगा वाई नेट इज इक्वल टू, ठीक है, इसके जगह पुट करना है क्या आपको, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस यहां पर ए टू साइन फाई की जगह क्या करना, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बच रहा है क्या, कॉस ओमेगा टी। अब अगर आप ध्यान से देखें इसे तो दोनों में से फिर से क्या कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी, अरेंज करके लिखे अगर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्म है, ए बराबर साइन ए प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस थीटा का साइन ए, इसको मान लीजिए ए बी, तो साइन ए कॉस बी बराबर प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया, ये जो रिजल्टेंट है दो वेव को हमने ऐड किया, जो बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या किया, पहला वेव जिसकी इक्वेशन ये, दूसरी वेव जिसकी इक्वेशन ये, दोनों को जोड़ रहे हैं सिंपली, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो y1 प्लस y2 जोड़ा, तो वैल्यूज पुट किए, इसको साइन ए प्लस बी पर तोड़ा, फिर उसके बाद कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद दो वेरिएबल को हमने इंट्रोड्यूस किया। अब सवाल यह है कि यहां पर जो दो वेरिएबल्स आए कौन कौन, एक है a और दूसरा है थीटा,
दिमाग में सवाल ये आएगा कि ए और थीटा की जगह क्या वैल्यूज पुट करें। तो इसको पुट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन वन है और दूसरी इक्वेशन टू है, क्या कर सकते हैं हम, एक काम करेंगे क्या निकालने के लिए, ए निकालने के लिए, ए निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर ए एक निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे, दोनों के स्क्वायर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों के स्क्वायर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए तो दोनों का स्क्वायर करते हैं, पहला का स्क्वायर ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा पहला इक्वेशन का स्क्वायरिंग कीजिए तो ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायरिंग क्या मिलेगा, या इसको ऐसे लिखते हैं अच्छे से समझ में आएगा आपको, पहला का स्क्वायरिंग करते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका स्क्वायरिंग कीजिए तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए बी, ए वन ए टू कॉस कॉस फाइव। अब जो दूसरा इक्वेशन है इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या आएगा, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर दोनों का कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना होता है वन, तो इधर क्या रह गया ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए फिर से, दोनों में से ए स्क्वायर दोनों को जोड़ना है, स्क्वायर कॉमन निकालिए, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू होता है वन, तो डायरेक्ट आ गया ए स्क्वायर, इसमें ए वन स्क्वायर। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो ए टू कॉस स्क्वायर फाइव और ए टू साइन स्क्वायर फाइव, दोनों में से ए टू स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, फिर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, जिसका वैल्यू कितना वन, तो ये आ गया ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ओहो, ये क्वेश्चन तो जाना पहचाना है, दिमाग लगाइए और सोचिए कि ये कहां देखने को मिला था, ये किस जगह किस किताब में किस चैप्टर में ये देखने को मिला था, एनसीईआरटी सोचिए, दया पता लगाओ कहां मालूम हुआ ये। ये तो कुछ इससे मिलता जुलता है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ओहो, ये तो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला से मिलता जुलता है, मिलता जुलता क्या है, ये तो वही है। इसका मतलब जो वेक्टर का काम हमने ये तरीका किया उसको हम वेक्टर की तरह से जोड़ सकते हैं, है वेक्टर नहीं लेकिन हम वेक्टर की तरह जोड़ सकते हैं। ठीक है, और क्लियर करते हैं इसको, और क्लियर करने के लिए अभी तो हमने सिर्फ किसका वैल्यू निकाला, सिर्फ किसका वैल्यू निकाला, हमने ए का वैल्यू निकाला, ये कंपेरिजन करने के लिए मैंने लिखा था। समझ में आ रही है बात, देखने में लग रहा है कि देखने में लग क्या रहा है, देखने में है ही, और ये एक्चुअली किसको फॉलो कर रहा है, वेक्टर के रिजल्टेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमने ए निकाल लिया, ए ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, ए ऐसे निकाल लेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम और कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि टू को वन से डिवाइड दे दीजिए, टू को यहां साइड में काम करते हैं, टू को डिवाइड देंगे किससे, वन से, टू को वन से डिवाइड दे दो, टू क्या है, ए साइन थीटा, डिवाइड देना है किसको, ए कॉस थीटा बराबर ए साइन थीटा का वैल्यू, ए टू साइन फाइव बाय, और ए कॉस थीटा का वैल्यू ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। और अगर आप ध्यान से देखें तो ए से ए ढिचिक होगा, ए से ए ढिचिक, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टैन थीटा। ओहो, टैन थीटा बराबर आ गया ए टू साइन फाइव
ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, ये भी तो मिलता जुलता है, ये किससे मिल रहा है? मिलने से पहले ये कट नहीं ना रहा है, चलिए ये किससे मिल रहा है? तो ये रिजल्टेंट के फॉर्मूला से मिल रहा है, ये उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से मिल रहा है। क्या था फॉर्मूला रिकॉल कराने के लिए? टैन अल्फा बराबर कलर चेंज। क्या था फॉर्मूला? टैन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या यही फॉर्मूला था उसके रिजल्टेंट का? और ये देखिए, ए टू साइन थीटा साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। मतलब कहानी समझिए, कहानी ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, दो वेव, एक वेव स्टार्टिंग से, ये एक सोर्स है, उसके डिस्टर्बे उसका डिस्टर्बेंस पहुंचा एक्स एक्स वन दूरी पर, उसने उसको ऊपर नीचे हिलाया, उसको डिस्टर्ब किया, उसके अंदर SHM पैदा किया। फिर दूसरे सोर्स ने भी वहां तक डिस्टर्बेंस पहुंचाया और उसको दूसरा SHM दिया, तो दो SHM हुए। उस पार्टिकल के पास रिजल्टेंट कितना होगा? तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने का तरीका ये, लेकिन ये बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है। तो हम जब आगे बढ़े तो हमें ये मालूम चला कि जो हम ए एक्चुअली में क्या है, दोनों एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट है ए। अगर आप कंपेयर करेंगे तो Y1 ये, Y2 ये, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो खाली जगह देखिए, अगर आप कंपेयर कीजिए, Y नेट की जगह लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, ठीक है, A2 वेव को मिटा देते हैं, A2 इसको मिटाइए, इंटरफेरेंस ऑफ वेव वही कहानी है, A2 दूसरा कहाँ गया, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब थोड़ा इसको फील कीजिए, फील कैसे करेंगे देखिए, यहां पर ये A1 और A2 का रिजल्टेंट कौन, A, और इसके फेज का, ये जो फेज है यहां पर, ये जो फेज है ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाइव, इस दोनों का रिजल्टेंट कौन, ये ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ध्यान से देखें, ये जो ए है ये एक्चुअली में दोनों के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट है, A1 और A2 का रिजल्टेंट है, और फेज क्या है, उस दोनों का रिजल्टेंट है। तो अगर हम यहां पर ए फाइंड कर रहे हैं तो ए का फॉर्मूला किससे मिल रहा है हमको, वेक्टर से मिल रहा है। ए का फॉर्मूला किससे मिल रहा है हमको, वेक्टर वाले फॉर्मूले से मिल रहा है। और थीटा का फॉर्मूला भी हमको किससे मिल रहा है, वेक्टर वाले से मिल रहा है। इसका मतलब कि हम जब दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो इतना लंबा करना बेवकूफी है, इसको हम डायरेक्ट समेट कर ले आते हैं कहां, वेक्टर वाले तरीके पर। तो पहले आप इसको नोट कीजिए ताकि मैं बोर्ड खाली करूं और फिर बात आगे बढ़ाऊं। पहले आप इसको नोट कीजिए, उम्मीद करते हैं बेहतरीन ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए यहां तक की कहानी क्लियर है, ओहो, यहां तक की कहानी आपने समझ ली, क्या समझा, सब कुछ समझ गया, क्या समझा कि ये समझा कि अगर दो वेव्स हैं Y1 और Y2 दोनों, या दो SHM है, दोनों SHM का एम्पलीट्यूड अलग अलग, A1 और A2 दोनों SHM का एम्पलीट्यूड अलग अलग, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन उसमें फेज डिफरेंस कितने का, फाई का। फिर से जो अभी तक हम लोगों ने समझा वो क्या है कि अगर दो वेव्स हैं, दो SHM हैं, Y1 और Y2 दोनों की एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का फेज सेम है और दोनों के बीच में फाई फेज का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है फाई का, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें मिलेगा एक रिजल्टेंट, वो भी एक SHM होगा,
और उस SHM का रिजल्टेंट होगा a साइन ओमेगा t प्लस थीटा, जिसमें a बराबर होगा इसके और थीटा बराबर होगा इसके। आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, आसान तरीके से इसको करते हैं। जो पार्ट मैं मिटा रहा हूं ये जरूरी का नहीं है। अब इसको क्या शॉर्ट करके देख सकते हैं कि हमने देखा कि इसका जो रिजल्ट है वो एक्चुअली वेव के ऊपर, मतलब वेक्टर के ऊपर आ रहा है। ओहो, आइए वेक्टर के ऊपर हम लोग इसको सेट करते हैं। वेक्टर के ऊपर सेट कर दिए तो देखिए y1, तो a1 लिख लीजिए, ये a1 है, ये a1, ठीक है। अच्छा a1 किसको मानेंगे, इसको भी तो मान सकते थे, या y1 ये है, ठीक है y1 ये, उसके बाद y2 ये, तो y2 ये हो गया, y2 ये, y1 y2 दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस, phi का, ये रहा phi, ठीक है। ये दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, या a1 a2 के तौर पर अगर करें तो ये a1 ये a2, दोनों के बीच में कितना का फेज, phi का, तो a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, ये रिजल्टेंट है इसका, ठीक है। तो वेक्टर कहीं बीच में आएगा, वेक्टर कहां आएगा, बीच में, तो ये रहा इसका रिजल्टेंट a। अब a कितना डिग्री बना रहा है, a कितना डिग्री बना रहा है, थीटा, थीटा डिग्री बना रहा है। तो यहां थोड़ा कंपेयर कीजिए, b यहां a2 है, ठीक है, b यहां a2 है, थीटा ये है, तो थीटा ये है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया थीटा, ये क्या हो गया थीटा, तो थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा बराबर a2 sin phi, a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi। इसको थोड़ा वेक्टर से रिलेट कीजिए, a1 वेक्टर, a वेक्टर, b वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना, phi, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, ये इसका रिजल्टेंट, और ये हो गया इसका थीटा। बात समझ में आ रही है, सेम फिगर, ये यहां तक की कहानी क्लियर। अब इस वेक्टर, ये जो हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये जनरल स्टोरी है, जनरल फिजिक्स है, ये आपको काम देगा, ये SHM है, बेसिकली SHM में आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, वहीं से मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अभी जो हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ेंगे ये फुल्ली इसी पर बेस्ड है, और वो अब समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ वेव को रिकॉल कर लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव को रिकॉल कर लिया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की स्टोरी क्लियर है, इसको भी इरेज कर देता हूं, पहले साइड हो जाता हूं, फिर नोट कर लीजिए आप लोग, फटाक से नोट कीजिए, तो समझ लिया है। अब देखिए, ये तो मैंने एकदम जनरल सिंपलेस्ट पिक्चर आपके सामने रखा, अब इसको रिलेट करते हैं, ठीक है, अब इसको रिलेट किया जाए, आइए रिलेट करते हैं ताकि जहनों तक बात पहुंच सके, और ऐसा कि आप किसी को भी ये टर्म, ये टॉपिक समझा सकें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसको समझते हैं, ठीक है। यहां हम, ये हमने समझा था एकदम सिंपलेस्ट फिगर, अब हम बात करें अगर, तो हम रियल वेव्स की बात करते हैं, रियल वेव्स। मान लीजिए यहां पर सोर्स S1 है, वेव का इक्वेशन क्या, S1, सोर्स, वेव की इक्वेशन क्या है, वेव की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी
प्लस के एक्स प्लस फाई वन, ओ हो ये डिस्टर्बेंस यहाँ एक्स वन तक पहुंची। इक्वेशन ऑफ एस एच एम क्या हो गया, वाई वन बराबर ए वन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस फाई वन, ये दूसरी वेव्स एस टू यहां से यहां पहुंची, ये कितना एक्स टू है, इसका एक y2 कितना हो गया, y2 हो गया a2 sin omega t plus k x2 plus phi 2। ओहो समझ में आ रही है कहानी। अब देखिए दो वेव्स है, इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें omega t plus phi एकदम सिंपल है, यहां और इसमें फर्क यह है कि इसके पास इनिशियल फेज है, दोनों के पास इनिशियल फेज है, यहां इनिशियल फेज नहीं था, दोनों के पास क्या है इनिशियल फेज। अब इसको इसको कैसे करेंगे, ये आ गया सर बाप रे ये कैसे करेंगे, कुछ इसमें भारी नहीं, यही कंसेप्ट यूज करना है, इसको कैसे करेंगे, देखिए a1, ये a1, ये a2, ये phi, तरीका वही जो पढ़ के आए, जो जस्ट पढ़ा हमने बात समझ में आ रही, ये आ गया इसमें इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज की वजह से इसमें क्या क्या आया, अब देखिए इनिशियल फेज है इसके पास फाइव वन और फाइव टू यहां नहीं था, तो ये और ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसका कंक्लूजन ये है कि वेक्टर के तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर भी इसको हम क्या कर सकते हैं वेक्टर के तरीके से ही कैलकुलेट करें। अब इसमें कुछ टर्म भी लिख लेते हैं कि यहां पर phi 2 माइनस phi 1 या phi 2 एंड phi 1 फेज डिफरेंस आया किसकी वजह से, फेज डिफरेंस आया इनिशियल फेज की वजह से, फेज डिफरेंस आया इनिशियल फेज की वजह से, इनिशियल फेज की वजह से, और x2 माइनस x1 ये जो है के x1 या ये कहिए कि पाथ डिफरेंस, इसको क्या कहेंगे हम लोग पाथ डिफरेंस क्यों आया, पाथ डिफरेंस आया इनिशियल लोकेशन की वजह से बात समझ में आ रही, तो ये कहानी है, इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है इस कहानी को और बढ़ाते हैं, ये समझ में आ गया कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली वेक्टर है, ठीक है। अब आगे बात करें अगर तो ये समझ में आ रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस है फाई, तो फाई कैसे लिखेंगे, फेज डिफरेंस फाई आया आपका ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, बेसिकली फेज डिफरेंस क्या है फाई टू माइनस फाई वन, तो phi 2 क्या है आपका, एक सेकेंड, फेज डिफरेंस है क्या, इसी को ना फेज बोलते हैं, ये पूरा क्या कहलाता है, फेज कहलाता है, तो क्या लिखेंगे ओमेगा टी प्लस के एक्स टू प्लस phi 2 में से घटा देना है, माइनस करना है ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस फाइव वन, माइनस करेंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी हो जाएगा ढिचिक, ये हुआ ढिचिक, तो बचा क्या फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइव टू माइनस फाइव वन प्लस के अगर कॉमन कर लें तो आया एक्स टू माइनस एक्स वन, ये है फेज डिफरेंस क्या है, बात समझ में आ रही, ये है फाई बराबर लिख सकते हैं डेल्टा फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन
प्लस के एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। 95% क्वेश्चन में आपको ये नहीं रहेगा, फाइव टू एंड फाइव वन नहीं रहेगा। तो बचा क्या, ठीक है। ये 95% क्वेश्चन में ये फाइव टू फाइव वन नहीं रहता, ठीक है। तो बचा क्या, तो बचा आपका डेल्टा फाइव इज इक्वल टू के एक्स टू माइनस के एक्स वन। तो के क्या है यहां पर, के एक्चुअली में होता है वेव नंबर। के क्या है यहां पर, के इज वेव नंबर, के इज वेव नंबर। के क्या है, वेव नंबर, वेव नंबर है। तो वेव नंबर को लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये आ गया आपका डेल्टा फाइव, ठीक है। डेल्टा फाइव बराबर 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। तो पूरी स्टोरी समझ में आ गई, डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। तो अगर आपको फेज निकालना है तो पहले आपको पाथ डिफरेंस निकालना होगा। पाथ डिफरेंस निकालोगे तो फेज डिफरेंस निकल के आएगा, फेज डिफरेंस निकल के आएगा तो आपको रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अब यहां तक की कहानी एकदम पिक्चर क्लियर है। मैंने स्टार्ट कहां से किया, डायरेक्ट ये नहीं बताया आपको, पहले मैंने एकदम बेसिक बताया कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, उसके रिजल्टेंट को निकाला और फिर उसको और फिर ये बनाकर रिलेट किया कि वो और ये में किसी में कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है कि इसके पास इनिशियल फेज है। और जब इसके पास इनिशियल फेज है, तो होगा क्या कि जब इसके पास इनिशियल फेज है तो उस केस में फेज डिफरेंस निकालेंगे जो कितना होगा ये। लेकिन 95% केसेस में फाइव टू और फाइव वन नहीं होता है। तो जब नहीं होगा तो उसकी भी स्टोरी समझ लेते हो। तो उसकी स्टोरी ये, तो से उसकी स्टोरी ये है। तो डेल्टा फाइव हो जाएगा ये आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो हिस्सा मिटाने वाला हूं मैं जल्दी। सब नोट कहानी क्लियर है यहां तक, फर्स्ट क्लास समझ में आया एकदम, फर्स्ट क्लास। अब बात करते हैं, तो बात करने में क्या है कि हमने क्या क्या निकाल लिया, पार्ट डिफरेंस निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, फेज डिफरेंस निकाल लिया। फेज डिफरेंस है क्या, फेज डिफरेंस इसको मिटा दो। फेज डिफरेंस बेसिकली है क्या, फेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी आंखों पर जो रोशनी गिरती है या हमें जो साउंड सुनाई देता है, हम क्या मतलब कि अगर हम क्या फील करते हैं, जनरली हम फील करते हैं कि हमें कहां पर ज्यादा रोशनी है, ब्राइटनेस, और कहां पर कम रोशनी है, मतलब डार्कनेस। तो हम ये फील करते हैं, ये एक्चुअली में है क्या फेज डिफरेंस, और एनर्जी इंटेंसिटी का खेल होता क्या। अगर मान लीजिए कि हम कोई लाउड साउंड सुन रहे हैं, तो लाउड साउंड सुन रहे हैं इसका मतलब कि हमारे ईयर ड्रम पर वो एनर्जी है। साउंड क्या है, बेसिकली एनर्जी है। तो ईयर ड्रम पर ज्यादा एनर्जी गिर रही है इसलिए हमें ज्यादा सुनाई दे रहा है। और वही एनर्जी अगर हमें कम गिरते, अगर हमारे ईयर ड्रम पर कम गिरे तो हमें कम सुनाई देगा। सेम चीज रेटिना पर, अगर ज्यादा रोशनी एनर्जी, लाइट एनर्जी गिर रही है, वेव एनर्जी गिर रही है लाइट की, तो हमें ब्राइटनेस दिखाई देगा, और अगर कम गिर रही है तो वो क्या है, डार्कनेस है। तो ये फेज डिफरेंस है और बेसिकली ये एनर्जी और इंटेंसिटी का खेल है। तो इंटेंसिटी का अगर ये खेल है तो वेव में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेव में इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर रो स्क्वायर, ठीक है, रो स्क्वायर, सॉरी 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, ये है। तो इसमें पाई ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है वेव उसकी डेंसिटी, पानी में, लिक्विड में तो लिक्विड की डेंसिटी, एयर में तो एयर की डेंसिटी, और वी क्या है, वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वेव,
वी क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो बेसिकली इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है तो सब कॉन्स्टेंट, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ए स्क्वायर। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ए स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। और ए हमने निकाला है अभी, जस्ट हमने ए निकाला है, तो इसमें इधर के कुछ हिस्से को मिटाकर जो कंक्लूजन है, जो हमारे काम की चीज है, उसको लिख लेता हूं। ठीक है, काम की चीज क्या क्या थी, सबसे पहले ए का हमें क्या निकला था, ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ये निकला। दूसरी चीज ये ए ए का निकला था, ठीक है, टैन थीटा, थीटा कितना निकला था, तो थीटा निकला था ए टू साइन फाइव बाई ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। ठीक है, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या निकली अभी हमारे पास, डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव बराबर फाइव टू माइनस फाइव वन प्लस के एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तीसरी चीज क्या मिली हमें, तीसरी चीज मिली हमें डेल्टा फाइव बराबर, और डेल्टा फाइव बराबर टू पाई बाय लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, मतलब डेल्टा फाइव बराबर, डेल्टा फाइव बराबर टू पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। ठीक है, पार्ट डिफरेंस है, ये चीजें हमें मिली। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इसके लिए सोर्स, फॉर सोर्स, अब देखिए कहानी इससे रिलेट करते हैं इसमें, ठीक है, कहानी रिलेट कर रहे हैं। तो फॉर एस वन, ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी तक, तो इसको ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए फॉर एस वन, सोर्स वन के लिए अगर हम काम करें तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा आई वन स्क्वायर के। अगर हम फोर्स सोर्स टू के लिए काम करें तो आई टू, आई टू के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम काम करते हैं नेट के लिए, फॉर रिजल्टेंट, फॉर रिजल्टेंट तो आई नेट होगा, फॉर रिजल्टेंट तो आई नेट होगा, आई नेट प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए नेट के, ए नेट के स्क्वायर के। कहानी समझ में आ रही है, आई वन प्रोपोर्शनल ए वन, क्यों, क्योंकि ये चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ा समझा कि बेसिकली ये एनर्जी का खेल है। तो एनर्जी के खेल में इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वेव के, वेव में इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये। तो इससे मालूम चला कि आई प्रोपोर्शनल है ए के, तो ए के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम एस वन की बात करें तो एस वन के लिए आई वन प्रोपोर्शनल होगा ए वन के स्क्वायर, आई टू प्रोपोर्शनल होगा ए टू के स्क्वायर एस टू के लिए, और रिजल्टेंट का मतलब आई नेट प्रोपोर्शनल होगा ए नेट के स्क्वायर। और ए नेट हमने यहां निकाला है, तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो आई वन बराबर हो जाएगा के जोड़ते जाइए के ए वन स्क्वायर, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, यहां कांस्टेंट क्या है आई वन, आई टू के लिए क्या आ जाएगा के ए टू का स्क्वायर, आई नेट क्या आ जाएगा के ए नेट का स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ए के जगह मतलब ए नेट के जगह क्या मिलेगा, आई नेट बाई, आई नेट बाई के, ठीक है, ए वन के स्क्वायर के जगह आई वन बाई के प्लस ए टू के जगह आई टू बाई के प्लस टू ए वन, टू ए वन के जगह क्या हो जाएगा रूट आई वन, रूट आई वन बाई के, ठीक है, हाँ रूट आई वन बाई के। उसके बाद ए टू के जगह क्या हो जाएगा, तो ए टू के जगह हो जाएगा आई टू रूट आई टू बाई के, रूट रूट के और आई टू रूट, ये भी रूट के, ठीक है, कॉस फाइव, कॉस फाइव, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर इधर लिख देता हूँ, जगह चाहिए ना मुझे, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस फाइव, ठीक है, के कॉमन लेके कट जाएगा, के रूट के इंटू रूट के हो जाएगा, के कॉमन लेके काट देंगे तो आई नेट आ गया आई वन प्लस आई टू प्लस टू
रूट आई वन आई टू कॉस फाइ। ये क्या इंटरफेरेंस, क्या समझ रहे थे? कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस है, बात समझ में आ रही? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस अब इसको रिलेट करते हैं कि ये कब कंस्ट्रक्टिव होगा और कब डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इसको मिटाओ और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव, कब कंस्ट्रक्टिव होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? मतलब आई मैक्सिमम होगा। कंस्ट्रक्टिव कब होगा? जब आई क्या होगा? मैक्सिमम। आई नेट क्या होगा? आई नेट क्या होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम दैट इज आई मैक्स, मैक्सिमम दैट इज आई मैक्स, ठीक है? आई मैक्स कब होगा? जब कॉस फाई क्या हो? कॉस फाई क्या हो? वन। कॉस फाई वन, कॉस फाई क्या हो? वन। या ये कह सकते हैं कॉस डेल्टा फाई, डेल्टा फाई क्या हो? वन, डेल्टा फाई वन। उसके बाद कॉस डेल्टा फाई क्या हो? वन। कॉस डेल्टा फाई जब वन होगा, डेल्टा फाई, डेल्टा फाई वन, ठीक है? तो वन कब कब होता है? अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखें तो डेल्टा फाई अगर हम लिखें तो किस किस वैल्यू के लिए कॉस का वैल्यू, कॉस फाई का वैल्यू वन होगा? तो जीरो के लिए, जीरो डिग्री के लिए। उसके बाद किसके लिए होगा? 360 डिग्री के लिए। उसके बाद किसके लिए होगा? तो इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, मतलब कि एन पाई। डेल्टा फाई का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? एन फाई, एन पाई, एक पाई, दो पाई, तीन पाई, चार पाई डालते जाओ, मतलब डेल्टा फाई कितना होगा? एन पाई होगा, तब जाकर ये वन होगा और आपको क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ये वही है। क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट तो हाइट बढ़ जाएगी, क्रेस्ट के ऊपर ट्रो वो वाला नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव कहलाएगा। क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रो के ऊपर ट्रो, तो कंस्ट्रक्टिव कहलाएगा। डेल्टा फाई कितना आया? एन पाई, जनरल फॉर्मूला। अब देखिए डेल्टा फाई बराबर हम निकाल लेते हैं पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो इसी पे डालो। नाउ डेल्टा फाई, डेल्टा फाई कितना है? टू पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई की वैल्यू एन पाई, एन पाई टू पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो पाई से पाई हो गया, ठिचक ठिचक, तो डेल्टा एक्स क्या आ गया? डेल्टा एक्स आ गया एन लैम्डा बाई टू, इन लैम्डा बाई टू, मतलब लैम्डा बाई टू, या फिर पुट करते जाओ तो पुट करते जाओगे तो आएगा जीरो, उसके बाद आएगा लैम्डा बाई टू, उसके बाद आएगा लैम्डा, फिर आएगा थ्री लैम्डा बाई टू। तो इस वैल्यूज पर, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये एक्चुअली में होगा टू एन पाई। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये एक्चुअली में होगा टू एन पाई, ठीक है? अगर हम डालते हैं तो 360 डिग्री, तो 2n पाई, अगर 0 डालेंगे तो 0, 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, तो cos 180 तो माइनस 1 होता है, इसलिए 2n पाई, 2n पाई यहां डालिए 2n, यहां भी आएगा 2, तो n से 2 से 2 डिचिक, तो आ गया क्या? डेल्टा x बराबर, डेल्टा x बराबर n लैम्डा, मतलब 1, 2, 3, इस पर आपको ये पाथ डिफरेंस, इस पाथ डिफरेंस पर आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, इस फेज डिफरेंस पर आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव। बात समझ में आ रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसके बाद बताएंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए पूरा मेहनत से, और गारंटी देते मुझे फील आ रहा है कि मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया, तो आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई टीचिंग स्किल, सो आई एम वेरी मच श्योर दैट कि आपको बेहतरीन तरीके से ये दिमाग में हो गया होगा। सब्सक्राइब, शेयर, वायरल्स, पहले नोट, उसके बाद कुछ भी।
ठीक है। चलिए तो अब यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव की जगह डाल दीजिए डिस्ट्रक्टिव, ये सब रहने देते हैं। चलो फिर से मिटा दो यार, क्या है? ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्टिव और अब रफ्तार में समझते हैं क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज का थोड़ा लफड़ा है। डिस्ट्रक्टिव वही कहानी है, आई हो जाएगा मिनिमम, सॉरी आई नेट, ये दिख तो रहा है ना, आई नेट हो जाएगा मिनिमम, आई मिनिमम के लिए कॉस फाई का कितना होना जरूरी है? -1। कॉस फाई का माइन या डेल्टा फाई कितना होगा? -1। तो -5 इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस 180 पर मिलता है, मतलब कि 2n+1 पाई, ये इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। 2n+1 पाई पर आपको मिलेगा डेल्टा फाई, उसके बाद ठीक है पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं किस किस पाथ पर मिलेगा। तो डेल्टा फाई बराबर 2π/λ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा फाई की जगह पुट कर दो 2n+1 पाई 2π/λ डेल्टा एक्स। कोई ढिचिक होगा क्या? बिल्कुल ढिचिक होगा, इन पाई से पाई ढिचिक, तो और कुछ नहीं, तो कितना हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है डेल्टा एक्स हो गया आपका, डेल्टा एक्स हो जाएगा इसको इधर भेज दो, ऊपर भेज दो, तो ये आ जाएगा 2n+1 λ/2, ठीक है 2n+1 λ/2, ये आ गया आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है ये आ गया पाथ डिफरेंस। इसमें n की वैल्यू पुट करते जाइए, n की वैल्यू पुट करते जाइएगा तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस किस लैम्डा पर मिलेगा, वो इन की वैल्यू इसमें भी पुट करते जाइएगा तो किस किस फेस पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता चला जाएगा। तो ये हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया, ठीक है ये हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, 100% क्लियर होगा हुआ होगा, एकदम बेहतरीन बेसिक से हमने स्टार्ट किया और रिजल्ट तक पहुंच गया कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है। आइए इसको और थोड़ा क्लियर कर दे, कंस्ट्रक्टिव तब कहेंगे जैसे ये दो वेव है, ठीक है थोड़ा और क्लियर कर दूं आपको। सिंपलेस्ट फिगर, ये दो सोर्स है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रो के ऊपर ट्रो, तो रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये कंस्ट्रक्टिव है, ये क्या है कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव यहां पर कलर चेंज करके जगह नहीं, यहां पर ठीक है डिस्ट्रक्टिव, यहां पर एक ये सोर्स है ऐसे जा रहा है, दूसरा सोर्स ये है कुछ ऐसे जा रहा है, इसका रिजल्टेंट क्रेस्ट पर क्या चल रहा है ट्रो, तो इसका रिजल्टेंट बनेगा कुछ ऐसा ट्रो इस तरह से। तो ये डिस्ट्रक्ट हो गया, बर्बाद हो गया, ये कंस्ट्रक्ट हो गया, आबाद हो गया। कब? ये तो एकदम सिंपलेस्ट फिगर मैथमेटिकली ये कहानी, ठीक है तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कीजिए, चलिए ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।